नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल BR हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। पूजा पाठ और व्रत में पान के पत्ते को काफी महत्व दिया जाता है, लेकिन जब उस पान पत्ते को खाने की बारी आती है तो हम लोग कहते हैं ये अच्छी आदत नहीं है। दरअसल ज्यादातर लोग पान के पत्ते के अंदर सुपारी और कत्थर डालकर इसका प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इसके अंदर तम्बाकू तक डालते हैं, जिस कारण से हम ये मानते हैं पान खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं है या पान खाने की आदत अच्छी नहीं है। लेकिन आप ये सोच कर देखिए कि अगर हमारे धर्मों में किसी भी चीज का इस्तेमाल होता है तो वो चीज हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक कैसे हो सकती है। अगर बात करें तुलसी की तो तुलसी को धर्म में काफी ऊंचा स्थान प्राप्त है। तो दूसरी ओर अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में भी तुलसी को एक औषधि कहा गया है। अगर बात करें भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र की या फिर धतूरे की तो वो चीजें भी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसी तरह से पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाला ये पान का पत्ता शरीर के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पान का पत्ता आपके शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकता है। आप लोग इसे पूजा पाठ में इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन आप लोग इसे सिर्फ पूजा पाठ में इस्तेमाल ही मत कीजिए। इसका इस्तेमाल करने के बाद अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं कैसे पान का पत्ता आपको स्वस्थ रख सकता है और कौन कौन सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। अगर आप पान के पत्ते का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं या फिर खाना खाने की बात करते हैं तो दोनों ही केसेस में ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि कैसे पान का पत्ता आपको स्वस्थ रखता है। दोस्तों, अगर आप खाली पेट पान के पत्ते का सेवन करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा है आपका सिर दर्द सही करता है। बहुत से लोगों को सिर दर्द की शिकायत रहती है, उनमें से बहुत से लोग जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही उनका सिर दर्द करने लग जाता है। तो अगर आपका भी सिर दर्द होता है तो आप पान का पत्ता खाली पेट खाना शुरू कीजिए तो आपको सिर दर्द की शिकायत जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि आजकल की टेंशन भरी लाइफ में सिर दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इससे छुटकारा पाने का सरल सा तरीका है सुबह उठते ही एक पान का पत्ता खाने की आदत डालिए। सिर्फ इतना करने से आपके सिर दर्द की समस्या का आपको सलूशन मिल जाएगा। दूसरा है, पिंपल्स की प्रॉब्लम को आप खत्म कर सकते हैं। जिन लोगों के चेहरे के ऊपर पिंपल्स निकलते हैं वो लोग पान का पत्ता खाना शुरू करें, क्योंकि पान का पत्ता आपके पिंपल्स को बहुत ही जल्दी सही करता है। खाली पेट पान का पत्ता खाने का एक और बड़ा फायदा है, अगर आपको भूख नहीं लगती तो ये आपके भूख ना लगने की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। ये हमारे पेट के अंदर की सारी समस्याओं को खत्म करता है, यानी कि आपके पेट से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो जैसे कि गैस, कब्ज, ये सभी को खत्म कर देता है। इसके अलावा यदि आप पान के पत्ते का सेवन खाना खाने की बात करते हैं तो ये खाने को पचाने में बहुत ही मददगार रहता है। पुराने समय में बुजुर्ग लोग खाना खाने के बाद पान का पत्ता जरूर खाते थे, तो ऐसे में उनको पता है कि ये हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है और ये कैसे खाने को पचाने में हमारी मदद कर सकता है। दरअसल जब आप पान का पत्ता खाते हैं तो ये हमारे मुंह के अंदर ज्यादा लार बनाकर हमारे पेट को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो जब भी आप खाना खाएं तो उसके बाद भी आप पान का पत्ता खाने की आदत बना सकते हैं, क्योंकि इससे जो भी खाना आप खाएंगे वो अच्छे से पचेगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने पान के पत्ते के काफी फायदे हैं। ये कुछ फायदे थे जो मैंने आपको बताए, और ऐसे बहुत से फायदे हैं पान के पत्ते के। बस आप इसे जरूर खाना शुरू करें, खाली पेट खा सके तो भी अच्छा है, नहीं तो खाना खाने के बाद जरूर इसे खाएं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।